नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जिसका विषय है अरबों का भारत पर आक्रमण और उसके प्रभाव। पहला प्रश्न है, अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चचनामा, प्रबंध चिंतामणि, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद। तो दोस्तों, इसका आंसर है चचनामा। चचनामा में हमको इसका उल्लेख मिलता है कि अरबों ने सिंध पे जो विजय की, जिसका टाइम पीरियड है 712 AD। और ये चचनामा किसने लिखा ये तो ज्ञात नहीं है, परंतु ये मूल रूप से लिखा गया था अरबी भाषा में, तो अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसका आगे चल के 13वीं सदी में फारसी अनुवाद होता है पर्शियन लैंग्वेज में। और ये कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि पर्शियन लैंग्वेज में इसका जो ट्रांसलेशन है वो किसने किया, तो वो किया है अबू बक्र कूफी ने। अबू बक्र कूफी, ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चशनामा का फारसी अनुवाद किया है अबू बक्र कूफी ने, और किस समय किया है, तो मैंने जैसे आपको बताया 13वीं शताब्दी में किया है। तो 13वीं शताब्दी में उस समय सिंध पे कौन था, तो उस समय कौन था, नासिरुद्दीन कुबाचा। यदि आपने मेरा सल्तनत काल का लेक्चर सुना होगा तो उसमें मैंने इसका उल्लेख किया है कि नासिरुद्दीन कुबाचा किस समय सिंध पे काबिज होता है, और उस समय कौन कौन किस तरह से उसका ऐबक के साथ क्या समीकरण होते हैं, फिर आगे चल के इल्तुतमिश के साथ उसके क्या समीकरण होते हैं। तो इन सब के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की है। अब बात कर लेते हैं कुछ और ग्रंथ जो इसमें दिए हैं, जैसे प्रबंध चिंतामणि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लिखा है एक जैन स्कॉलर मेरुतुंग ने। मेरुतुंग नाम की जैन स्कॉलर ने लिखा है, जो कि फिर से वही उसी समय लिखा गया है, 13वीं शताब्दी में लिखा गया है इसको। और ये गुजरात के बारे में हमको, सोलंकी वंश के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। पृथ्वीराज रासो, जैसे आपको पता है इसमें नाम ही लिखा है पृथ्वीराज, तो ये पृथ्वीराज रासो वर्णन करता है पृथ्वीराज चौहान का, और ये पृथ्वीराज चौहान है हमारा पृथ्वीराज तृतीय। ये इंपॉर्टेंट है एक बार, क्योंकि प्रश्न पूछा गया था, मुझे याद आ रहा है, पृथ्वीराज चौहान जो है वो कौन से नंबर का पृथ्वीराज था, तो वो पृथ्वीराज तृतीय था। और ये पृथ्वीराज रासो लिखी गई है किसके द्वारा, चंद बरदई, जो कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, उसने लिखी है पृथ्वीराज रासो। अंतिम पुस्तक जो बच जाती है वो किताबुल हिंद है, और किताबुल हिंद जैसा कि आपको पता होगा ये अलबरूनी ने लिखी है। अलबरूनी जो है ये महमूद और गजनी के साथ भारत आता है, और ये पॉलिटिकल हिस्ट्री जो समय है, जो समय दशा है, पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर इतना ज्यादा इसमें कुछ हमको नहीं मिलता, बट जो भारत की उस समय दशा है इसको किताबुल हिंद भी कहते हैं, इसको तहकीक तारीख हिंद भी कहते हैं, और भारतीय समाज का 11वीं सदी के भारतीय समाज का आईना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पीजीटी 2005 में पूछा था, निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था, मुल्तान, सिंध, पंजाब या अनिलवाड़ा। तो सबसे पहला आक्रमण तो उसने मुल्तान पे ही किया था 1176 में, और यहाँ का जो शासक था वो एक शिया रूलर था। जैसा आपको पता है मुसलमानों में दो संप्रदाय होते हैं, शिया और सुन्नी, तो जो मुल्तान का जो शासक था वो शिया था। और ये जो अनिलवाड़ा है ये आपका पड़ता है गुजरात में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोलंकी वंश की राजधानी थी अनिलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2004 में पूछा, फिर 2003 में भी पूछा, किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था, अलप्तगीन, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये महमूद गजनबी था जिसने अपनी सेना में हिंदुओं को बहुत ज्यादा रिक्रूट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री इंडियन हिस्ट्री स्पेशल 2004 में पूछा गया था, इसमें एक तरफ राजवंश दिए हैं, दूसरी तरफ राजधानी दी है, और हमको इसको सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। तो सोलंकी, जैसे मैंने आपको बताया सोलंकी वंश कहाँ पे था, वो था गुजरात में, और गुजरात की राजधानी क्या थी, अनिलवाड़ा थी। गुजरात का जो सोलंकी वंश था उसकी राजधानी थी अनिलवाड़ा। और कलचुरी जो है ये चेदी वंश का था, सॉरी जो चेदी का क्षेत्र है उस पर कलचुरी वंश शासन कर रहा था, और इसकी राजधानी क्या थी, त्रिपुरा। परमार जो है ये मालवा में शासन कर रहे थे, और इनकी राजधानी थी धारा। और चहमान जो है ये अजमेर, जो चौहान, जैसे हम बोलते हैं ना अजमेर के चौहान, तो शाकंभरी भी बोलते हैं, शाकंभरी चौहान या अजमेर के चौहान आप बोल सकते हो। तो इस तरह से इसका मैच द फॉलोइंग आंसर क्या हो जाएगा, ए के नीचे 2, बी के नीचे 1, सी के नीचे 4 और डी के नीचे 3, यानी कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2004-2003 दोनों में पूछा गया था, महमूद गजनबी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहां थी, पेशावर, काबुल, उद्भान या अटक। ये जो हिंदू शाही राजवंश था ये शासन कर रहा था उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में भारत के, जिसको आज की डेट में अगर हम देखें तो काबुल घाटी के आसपास आता है।
इनकी जो कैपिटल थी, जो इनकी राजधानी थी, वो उद्भानपुर थी। उद्भानपुर जिसको ओहिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका एक और नाम आप नोट कर सकते हैं, ओहिंद, जिसको हम उद्भानपुर भी कह सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में ओहिंद आता है तो आप मार सकते हैं उस पे भी, और अगर उद्भानपुर आता है तो इसको भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूजीसी नेट 2017 में पूछा है, नाफ्था और मैंगोनेल्स का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित पेय से किस स्थान में हुआ? सिंध में 712, खजुराहो 950, दक्कन में 1130 या पानीपत में 1526। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये नाफ्था और मैंगोनेल्स है क्या। इसको कई कई जगह मंजानिक भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मंजानिक और मैंगोनेल्स दोनों एक ही चीज है, और ये एक उपकरण है इस तरह का जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें एक तरफ बहुत मोटे पत्थर, इस तरफ देखिए आप, यहाँ पे बहुत मोटे मोटे और भारी भारी पत्थरों को काफी बोझ बना दिया गया है, और ऊपर यहाँ पे नाफ्था रखा जाता था। तो नाफ्था क्या है? नाफ्था जो है एक पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है जिसमें आग लगाई जा सकती है। तो अगर आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, तो उसमें देखा होगा इस तरह कुछ उपकरण जिसमें एक तरफ पत्थर रखते थे और उसमें कपड़ा बांध के आग लगाई जाती थी। तो पत्थरों में कुछ ऐसा केमिकल अगर डाल दें, उस पर आग लगा दें, और उसको नीचे आप यहाँ देख रहे हो तो नीचे आपको एक हैंडल दिख रहा होगा, ये यहाँ पे। इस हैंडल को जब वो रोटेट करते हैं तो रस्सी को नीचे लेके आया जाता है, और यहाँ पे जो ऊपर नाफ्था रखा है, यहाँ पे जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आग लगाई गई है, वो नीचे आ जाएगा। और जैसे ही इस रस्सी को अचानक से छोड़ दिया जाएगा, तो क्योंकि पीछे भार है, यहाँ पे हैवी वेट्स हैं, और इस हैवी वेट्स की वजह से ये जो पूरा का पूरा आपका उपकरण है, ये क्या करेगा, बहुत तेजी से नीचे जाएगा। और ये जो आपका नाफ्था है, ये यहाँ पे पहले था, और ये यहाँ से ऊपर जाएगा बहुत तेज, और ये इसी तरह से फोर्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे रस्सी लगी हुई है, ये जो है ये रस्सी लगी है, और इस फोर्स की वजह से ये आगे को फेंक दिया जाएगा। तो ये एक उपकरण है, इसको हम एंशियंट टाइम की आर्टिलरी बोलते हैं, यानी कि जो हमारा एरो मिसाइल्स किस तरह से फेंकी जाएगी, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा एक उपकरण था जो कि सिंध में सबसे पहले इस्तेमाल किया था अरबों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यूजीसी नेट 2017 में पूछा है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, अवारिफ उल मआरिफ, अल हुजवेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल हुजवेरी काफी गांव में पूछा गया है। अल हुजवेरी, अशफ महजूब, सही है एकदम, इब्न अल अरबी, फुसुस अल हिकाम, अल गजाली, तहजीब अल अखलाक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन डी है, तहजीब अल अखलाक जो है अल गजाली का नहीं है। ये 1871 में सर सैयद अहमद खान ने एक मैगजीन निकाली थी जिसका नाम था तहजीब अल अखलाक। और अल गजाली की रचनाएं क्या हैं? तो अल गजाली की ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, मगर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसमें एक बहुत ज्यादा पूछी जाती है जिसका नाम है तहफत अल शिफा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूजीसी नेट 2015 में पूछा था, किस अरब यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार शासक मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था? अल बरूनी, अल मसूदी, इब्न बतूता या सुलेमान। तो सबसे पहले आपको मिहिर भोज का टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि किस समय से किस समय तक मिहिर भोज जो है वो शासन कर रहा था। तो 830 से 885 एडी के बीच में शासन करता है, और उस समय सुलेमान भारत आता है 850 एडी के आसपास। तो सुलेमान भारत आता है मिहिर भोज के समय में, और अल मसूदी जो है ये भारत आता है 915 एडी में। और इसके समय, अल मसूदी के समय, प्रतिहार शासक है आपका महीपाल प्रथम प्रतिहार शासक है, और राष्ट्रकूट है इंद्र 3। तो ये प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि महीपाल के समय में कौन आया, या फिर अल मसूदी किसके समय में आया। इब्न बतूता, जहां तक आपको पता होगा, इब्न बतूता जो है ये आता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और अल बरूनी जब भारत आता है तो किसके साथ आता है? ये आता है महमूद गजनवी के समय में, यानी कि लगभग 11वीं सदी शुरू हो रही होती है, यानी कि लगभग 1014 से 1028 के बीच में ये भारत आता है, और किताबुल हिंद लिखता है, जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीआईसी लेक्चरर 2009 में पूछा था, फतेहनामा ग्रंथ का संबंध है मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण से, अरबों की सिंध विजय से, महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण से, या बलबन की नीतियों से। तो ये जो फतेहनामा है ये और कोई किताब नहीं है, ये चचनामा का ही दूसरा नाम है। चचनामा का दूसरा नाम है फतेहनामा, और ये अरबों के सिंध विजय से ही कनेक्टेड है, और ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में कि किसने इसका फारसी में अनुवाद किया, और ये मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2000 में पूछा है, हु रोट तारीखे सुबुक्तगीन। तारीखे सुबुक्तगीन पुस्तक का लेखक कौन है? फिरदौसी, अलबरूनी, बैहाकी या फिर इनमें से कोई नहीं। ये सुबुक्तगीन जो है ये गजनी का शासक है और इसका दरबारी कवि था बैहाकी, जिसने किताब लिखी है तारीखे सुबुक्तगीन। और इतिहासकार जो एक लेनपुल नाम के इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने बैहाकी को पूर्व का पेप्स कहा है, यानी कि पेप्स ऑफ ईस्ट की उपाधि दी है किसने। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने दी है और किसको दी है, तो पेप्स ऑफ ईस्ट बोला है लेनपुल ने। और इसमें ये जो पुस्तक है इसमें सुबुक्तगीन और उसके पुत्र महमूद की वीरता और इनकी जो प्रशंसा है, जो इनका प्रशासन है उसका वर्णन है। अलबरूनी के बारे में आपको बता चुका हूँ कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखीय रचना है वो है किताबुल हिंद, जिसको हम तारीख़े हिंद भी बोलते हैं। 1017 से 1030 के बीच में भारत आता है। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।